हेलो एवरीवन, शादी सिर्फ हम आपका स्वागत है। गाइज, अगर आप एक वोडाफोन यूजर हैं, आप अगर वोडाफोन का सिम चलाते हैं मोबाइल में, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। स्कैम यह है कि आपका डेटा पैक आपके पास है, फिर भी मैसेज आ रहा है कि डेटा पैक आपका खत्म हो गया है या फिर 100 MB सिर्फ बचा है, और ऐसे में आप एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लेते हैं। तो क्या है पूरा स्कैम, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, और इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप स्कैम से बच पाएं। और इस चैनल पे आपको बता दें कि टेक्निकल से रिलेटेड वैकेंसी अपडेट, एजुकेशन और न्यूज, सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते, सीधा बोलते हैं। आपको बता दें कि हुआ क्या हमारे साथ, हमने कैसे नोटिस किया कि यहाँ पे स्कैम किया जा रहा, पहले उसको हम बताते हैं। देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या कि परसों के दिन हम मोबाइल में अपने वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो वीडियो अपलोड करते समय एक मैसेज आता है कि आपके डेटा पैक में सिर्फ और सिर्फ 100 MB बचा है। तो हम क्या किए कि क्योंकि वीडियो अपलोड करना अभी बाकी था कम से कम 50% के आसपास, तो हमको लगा कि यार एक छोटा रिचार्ज कर लेते हैं, तो 1900 वाला हमने रिचार्ज कर दिया उसी नंबर पर। अब हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट अपलोड हो गया। अब देखिए, उस दिन हुआ क्या था कि रात में, जैसे कि पता ही होगा आपको कि 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक वोडाफोन फ्री रहता है, तो हम रात में बहुत ज़्यादा नेट यूज किए थे। इसके वजह से हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हम टुडे के लिस्ट में गए, टुडे आज हम कितना नेट यूज़ किए हैं देखने के लिए सेटिंग में, तो वहाँ हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम ज़्यादा 7-8 GB यूज़ कर चुके थे, तो हमको लगा कि हो सकता है ख़त्म हो गया होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक छोटा भाई है, तो वो बोला कि भैया हम लगभग 100 MB यूज करते हैं, तब तक हमारा डेटा पूरा खत्म हो जाता है, मैसेज आ जाता है कि आपका डेटा खत्म हो गया, जबकि बहुत मतलब मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा नेट चलाते हैं या कोई यूट्यूब वगैरह या आपका शॉर्ट वीडियो वगैरह देखते हैं तब तक खत्म हो जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले तो दिन दिन भर चलता था, 1.5 GB मिलता था, तो उसमें हम दिन भर अपना यूट्यूब वगैरह देखते थे, लेकिन अब 1 घंटा आधा घंटा चला देते हैं तो लगता है तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपका डेटा पैक खत्म होने वाला है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो हमने सोचा कि हो सकता है कहीं सेटिंग वगैरह में इशू हो या फिर क्वालिटी बहुत हाई करके आप देख रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वालिटी वगैरह सब हम लो करके मतलब 240 पे देखते हैं। तो फिर हम नहीं ध्यान दिया, हम कहें कि हो सकता है कुछ रीजन रहा हो। लेकिन कल के डेट में गाइज क्या हुआ कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करने के लिए लगाए, अब मुश्किल से 20-25% वीडियो हमारी अपलोड हुई, उसके बाद एक मैसेज आता है कि आपके डेटा पैक में सिर्फ 100 MB बचा है। तब हमारे दिमाग में डाउट हुआ, कह रहे 100 MB कैसे, अभी तो हम आज रात में यूज ही नहीं किए पूरा 3 GB। देखिए, हमारा जो रिचार्ज है 352 रुपये वाला है, जिसमें कि 3 GB पर डे आता है, तो 3 GB आता है, तो 3 GB इतना जल्दी खत्म हो गया, बिल्कुल आज हम यूज ही नहीं किए। तो जब हम टुडे वाले लिस्ट में जाकर देखें तो मुश्किल से 400-500 MB के आसपास यूज हुआ था। अब एग्जैक्ट डेटा हमको याद नहीं है, अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो फिर हम कहें कि अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसके बाद हमारे दिमाग में डाउट गया कि अरे यार ये तो स्कैम चल रहा है। और फिर हमारे पास मैसेज आता है कि आपका डेटा पैक में 100 MB सिर्फ बचा है। अब हमारे दिमाग में डाउट गया कि अरे यार ऐसा नहीं कि उस दिन भी ऐसे ही मैसेज आया हो, क्योंकि हमने रात में 12 से 6 बजे तक यूज किया था ना, तो 12 से 6 बिल्कुल फ्री होता है, उसके बाद आपका मेन डेटा उसमें कटना स्टार्ट होता है। तो उस दिन हमने 1900 रुपये का रिचार्ज कर दिया था, देखिए, और कल भी हम 1900 रुपये का रिचार्ज करने जा रहे थे, लेकिन हम स्कैम को समझ गए। तो इसके वजह से आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है कि 100 MB बचा है, 200 MB बचा है, आपका डेटा पैक खत्म होने वाला है, तो आप पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, घबरा करके रिचार्ज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर स्कैम चल रहा है वोडाफोन की तरफ से। चलिए, अब इसको हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं प्रूफ के साथ, सो दैट आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हाँ हम सही बोल रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर क्लियर हो जाइए, देख लीजिए पूरा, देखिए यहाँ पर 12:22 PM पर मैसेज आता है हमारे पास कि डेटा अलर्ट सिर्फ 100 MB बचा है। अच्छी खबर यह है कि आपके पास 12:21 PM पे आता है, और हम इसको 12:23 PM पे देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 100 MB बचा है। अब देखिए, उसके बाद फिर हम स्लाइड करके आपको दिखाते हैं, देखिए ऊपर 610 MB बचा है अभी, 12:23 14 June की बात है। अब उसके बाद आगे और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर हम जो रिचार्ज किए हैं वो किसने रिचार्ज किए थे, 1900 रुपये वाला, वो 1 दिन पहले और 2 दिन पहले, ऐसे 2 रिचार्ज किए हैं, और उस दिन भी हमको डाउट था कि ऐसे ही कुछ हुआ था। देखिए यहाँ पर 6:10 और 7:22 PM पर एक रिचार्ज है, और एक रिचार्ज 13 तारीख को 7:57 PM पे एक रिचार्ज है। तो इस तरह से 2 रिचार्ज है, और उस दिन भी ऐसे ही कुछ स्कैम टाइप ही हुआ था, क्योंकि हमारा डेटा पैक ख़त्म नहीं हुआ था, रात में हम यूज किए थे, रात में सब फ्री होता है। सो आप भी सावधान हो जाइए, अगर इस तरह से आपके पास मैसेज आता हो तो एक बार ज़रूर आप अपना सब डेटा वगैरह चेक कर लीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, अब आप सावधान हो जाएंगे, और अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, जिससे कि हम
और भी वीडियोस पर बनाएं और ज़्यादा लोगों को क्लियरिटी दें। तो आई होप कि आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, मज़ा आ गया होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल पे आपको डिजिटल से रिलेटेड अपडेट, वैकेंसी, एजुकेशन और न्यूज़ से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो का करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।